एक ही शिनाख्ती कार्ड पर 8,000 अफराद की वैक्सीनेशन हो गई। नेशनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने वालों का डाटा गलत अपलोड होने पर तहकीकात शुरू कर दी गई। मामला क्या है, अली रामे से जानते हैं। अली बताएगा इस बारे में। बिल्कुल, ये महकमा पहले स्कैनिंग हेल्थ की तरफ से एक रिपोर्ट जिला को भेजी गई। उसमें कहा गया कि नेशनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के डाटे में कुछ ऐसी डाटा जो है वो गलत अपलोड किया गया, जिससे एक शिनाख्ती कार्ड के ऊपर 8,000 अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी है। अब इस पर ऐवान वजी अला के अहकाम पर तहकीकात का भी, या सिस्टम में तकनीकी खराबी के बायस तो नहीं डाटा अपलोड हुआ कि एक शिनाख्ती कार्ड के ऊपर 8,000 अफराद की वैक्सीनेशन किस तरह हो सकती है। तो इस पर महकमा प्राइमरी स्कैनिंग हेल्थ केयर के हुकाम का कहना है कि इस पर इंक्वायरी जारी है, लेकिन ये एक इंसानी गलती लगती है जिसके बायस से ये एक शिनाख्ती कार्ड के ऊपर जो है वो डाटा इतना अपलोड हो चुका है। लेकिन इस पर वो हुकूमत पंजाब से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उनको कुछ डाटा ऑपरेटर जो है वो दिए जाए और स्टेनोग्राफर दिए जाए, ताकि वो डाटा को सही तरीके से अपलोड कर सके इस सिस्टम के ऊपर। तो उस पर हुकूमत पंजाब ने उनके जो अपील थी उसको अप्रूव करके उनको ऑफिसर्स को दे दिया, स्टाफ को दे दिया। लेकिन अब ये जो एक इतना बड़ा स्कैम सामने आया है कि एक शिनाख्ती कार्ड के ऊपर 8,000 अफराद की वैक्सीनेशन होना, यह खुद एक बहुत बड़ा जो है स्कैंडल सामने नजर आ रहा है। इस पर अब हुकूमत पंजाब जो है वो इंक्वायरी करवा रही है। तो इसमें दो चीजें बताई जा रही है कि या तो इंसानी गलती है या फिर इसमें सिस्टम में कोई ऐसी खराबी है। तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका।